तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली चले जाना है यहां पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पर। उस पर जाने के बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको हेल्प पे चले जाना है। हेल्प पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको फिर से 3 लाइंस पर चले जाना है और थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट योर अकाउंट। आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन पर चले जाना है। और इस ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप हेल्प की जगह आपको कर देना है मोबाइल ब्राउजर हेल्प। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा instagram.com फ्रॉम अ मोबाइल ब्राउजर। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा डिलीट योर अकाउंट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलरली रीज़न सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप क्यों अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक रीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक रीज़न सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको हमारा इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड री एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड ज़रूरी होता है डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड री एंटर कर देता हूँ। यार यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ डिलीट अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट को डिलीट करने के बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 11 दिसंबर तक का टाइम है मेरे पास। अगर मैं चाहूँ तो 11 दिसंबर तक अपना अकाउंट वापस ले सकता हूँ, यानी 28 दिन के अंदर आप अपना अकाउंट वापस ले सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।